सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रिज्यू गेमर। आज हम फिर से खेल रहे हैं स्कैरी टीचर 3D। तो यह है विंटर स्पेशल और इसमें हम कुछ ऐसे फन करने वाले हैं जो विंटर से रिलेटेड हैं या फिर विंटर के हैं। तो यहाँ पर एक स्नोमैन है जिसकी खोपड़ी नहीं है, जो कि इस मिट्टी ने उखाड़ कर फेंक दी है और हमें इसको बनाना है, पूरी तरीके से इसको बिल्ड करना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए इसका हेड, जो मिल सकता है यहाँ पर शेड में। और ये क्या भाई, कैनन बॉल। ओके, तो हम इस कैनन बॉल को ना उसके हेड के जैसे यूज करने वाले हैं। तो इसको लेकर चलते हैं फटाक से और उस स्नो गोलम के ऊपर इसको लगा देते हैं, मतलब स्नोमैन के ऊपर। स्नो गोलम तो उसमें होता है ना माइनक्राफ्ट में, तो माइनक्राफ्ट भी काफ़ी एक अच्छा गेम मैंने खेला है काफ़ी। देखते हैं उसको भी, उसका भी कभी गेम प्ले ज़रूर अपलोड करेंगे। यहाँ पर इसका है एक वाइट पेंट, क्योंकि ना मुझे इस प्ले करना इसको ना ऐसा बनाना है ताकि ये आइस की जैसा दिखे। और मैं इसको लेकर चलता हूँ यहाँ पर, तो लगा देता हूँ इसको। ओके, तो अब ये थोड़ा सा ना आइस के जैसा नहीं, पूरा का पूरा ही आइस मैन की तरह दिख रहा है। तो अब मुझे चाहिए इसके, मुझे चाहिए एक कैरेट जिसको मैं इसके नाक पर लगा सकूं, और इसके अलावा मुझे चाहिए एक हैट। तो ये दो चीज़ मुझे ढूंढनी है। सबसे पहले मुझे ढूंढनी है एक सवल। सवल से ना मैं उन कैरेट को डिग कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं उन्हें हाथों से उठा नहीं सकता। तो यहाँ पर देख लेता हूँ, मुझे ना पूरा चेक करना पड़ेगा कहीं मुझे सवल या फिर वो हैट मिल जाए, तो इधर पे भी नहीं है। और मुझे इसके अलावा भी कुछ तो चाहिए होगा, देखते हैं। इधर पर भी नहीं है, और जिम में चलकर देखते हैं कि इधर पर, अबे भाई कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसके इतने बड़े घर को ढूंढने में ना जन्मों लग जाते हैं मुझे। ओके गाइस, सवल अंदर तो नहीं मिली हमें, लेकिन यहाँ बाहर ज़रूर मिल गई है। अब इससे मुझे कैरेट उखाड़नी है, और कैरेट मिलेगी मुझे वो सामने है, तो इधर से ही चलते हैं शॉर्टकट से सीधा। ये मिस्टी कहाँ डोल रही है, इसका तो हमें कोई बहरा ना कि कहाँ पर डोल रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बाहर चलते हैं, उन कैरेट को उखाड़ते हैं यहाँ से। और इसको उखाड़ो भाई, क्योंकि कैरेट उखाड़ लिया हमारे लिए ये इनफ होगा। तो इसको लेकर चलते हैं, इसकी ना नाक के साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब चाहिए मुझे दो चीज़ चाहिए होंगी, एक तो चाहिए मुझे इसकी आइज और दूसरा चाहिए एक हैट। वो देखते हैं कि हमें कहाँ पर मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर स्नोमैन की आइज का जुगाड़ तो हो गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि मुझे यहाँ से उठाना है ये जिससे हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं ये। और अब मुझे ना वो फर्नेस है बाहर मिस्टी का, उससे निकालने पड़ेंगे कुछ कोयले, और यहाँ से इनको निकाल लेते हैं। और अब इसको लेकर चलते हैं उसकी रिप्लेस करने। और मेरे पीछे मिस्टी पड़ चुकी है, लेकिन मैं इसके हाथ आ रहा हूँ क्या मोटी, तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब चाहिए मुझे सिर्फ हैट, और मैंने हेड काफ़ी देखी यार, मिल ही नहीं रही है। तो चलो और अंदर चलकर दोबारा से अच्छे तरीके से देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर फाइनली वर्कशॉप में मुझे ये हेड भी मिल चुकी है, और अपना काम बस कंप्लीट हो ही गया है। इसको बाहर ले जाकर उस स्नोमैन की टेट पर धरना है इसको। तो भागो भाई, फिर से ये मेरे पीछे पड़ तो चुकी है, लेकिन इसके हाथ में फिर से नहीं आने वाला। ये जा कहाँ रही है, अभी ऊपर कहाँ नीचे आ, इसको मैंने कर दिया है सब कुछ कंप्लीट। अब ये नीचे आएगी और देखते हैं कि अभी इसके साथ कौन सा वाला प्रैंक होने वाला है। तो देखते हैं, ये एक तो काफ़ी स्लो स्लो आती है। चलो ऑलमोस्ट एक घर से बाहर तो आ चुकी है, अब पहुंच जा फटाक से। और इसका मजाक उड़ते हुए देखने में हमें काफ़ी मज़ा आता, क्योंकि ये सही में बहुत ज़्यादा ईविल है। ये आपको ना नेक्स्ट लेवल में अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये किस तरीके से चलती हुई आ रही है भाई, अरे भाई साहब क्या ही चौड़ में चल रही है, एकदम दी रॉक की चौड़ में चल रही है। अरे ग्लव्स ग्लव्स पहन रखे, इसको मुक्का मारेगी के, अरे भाई ओ पड़ा पड़ा भाई पड़ा, इसके इसने ना वो कैनन में मार दिया और ये लो हो गया ना कांड नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पर इस मिस्टी ने सेंता को ही किडनैप कर लिया हो क्या, ये कैसे हो सकता है भाई। और यस, हमें क्रिसमस को रुइन होने से तो बचाना पड़ेगा। यहाँ पर ये सेंटा जा तो रहा है क्रिसमस के गिफ्ट बांटने, और ये मिस्टी क्या यहाँ पर तोप से उड़ाएगी, नहीं इसने जाल फेंको, सेंटा को ही किडनैप कर लिया। भाई साहब ये देखो गाइस, ये कितनी ज़्यादा हरामी है, मतलब ये कितनी ज़्यादा एविल है। तो इसके लिए हमें ना सबसे पहले क्या करना है, मुझे जो वो इसकी
जो सीग है उसको उसली जो भी बोलता है उसको रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे उसने वो रेंडियर है उन्हें भी अटैच करवाना पड़ेगा। उसके बाद सेंटा को जगाना है, मतलब बहुत कुछ करना है। तो सबसे पहले मैंने ये हथौड़ा ले लिया है जिससे मैं इसको रिपेयर कर पाऊँगा, इसकी स्लीक को। तो सब और इसके लिए ना मुझे कुछ पार्ट चाहिए, वो मिलेंगे मुझे अंदर। मुझे कुछ नेल्स चाहिए होंगे तो वो है यहाँ पर टॉर्चर रूम में। इनको उठा कर लेकर चलते हैं और अब चलते हैं वो बाहर जो इस सेंटा की स्लीज खड़ी हुई है उसको रिपेयर करने। में इधर से जा सकता हूँ क्या, मतलब ये तो काफ़ी छोटे, इधर से जा सकता हूँ आई थिंक। और यहाँ से ना साउंड कट पड़ जाएगा, देखो वो रही। अगर मैं चाहता बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा मुझे घूम कर जाना पड़ता। यहाँ पर मैं इसको लेकर आ चुका हूँ और इसको नेल्स में अभी लगा दो। अभी इसको ना फटाक से रिपेयर कर लेते हैं। ओके रिपेयर तो हो चुकी है। अब जो ये रेंडियर्स घूम रही है ना या बाहर, इसको मुझे लगाना है इसमें। तो उसके लिए मुझे चाहिए एक बकेट ऑफ कैरेट जो कि मुझे मिलेगी किचन से। तो यहाँ से किचन चलते हैं। और नो, इसने किचन में ताला लगाया हुआ है। अब मुझे पूरा घूम कर जाना पड़ेगा यार। यहाँ से जा सकता हूँ क्या मैं? यहाँ पर ये नल आ रहा है, वैसे इधर से नहीं जा सकता। इधर से चलता हूँ, इधर से। ओके तो इधर से मैं कूद कर यहाँ पर आ चुका हूँ। लेकिन ये मिस्टी ना किचन में ही है, ये प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो मैं क्या करूँ, इधर से चलता हूँ थोड़ा अभी अंदर। और ये अंदर ही है तो मैं सोच रहा हूँ कि भाग कर जाऊँगा और ले आऊँगा उस देवरा के साथ। ओह शिट, इसने मुझे देख लिया यार। मैं कैसे जाऊँगा अंदर फिर? ये तो आई थिंक अब ये बाहर आ जाएगी, लेकिन नहीं यार, ये किचन में कुछ कर रही है, मुझे इसे ना डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो गाइस वो सामने रखी है। तो मैं क्या करता हूँ ना, अभी आराम से चलता हूँ जो इस मिस्टी को ना शक ना हो मेरे ऊपर। आराम आराम से चलो भाई, ले लो। अबे शिट, अरे नहीं नहीं मेरे पीछे दरवाजा। अबे यार मैंने सब कुछ तो कर दिया था, अभी एंड टाइम पर ये फिर से करना पड़ेगा मुझे सब कुछ। कोई बात नहीं गाइस, इस बार ना यहाँ पर इस डोर बेल को बजा देते हैं ताकि ये मिस्टी अभी बाहर निकल कर आएगी और हम किचन में जाकर उस कैरेट को ले लेंगे, बकेट ऑफ कैरेट को। तो यहाँ पर ये बाहर तो आ रही है, हम चलते हैं किचन में इस साइड से क्योंकि उधर से ये आ रही है। और अब आराम से इसको लेकर चलते हैं ये किचन से। ओके बाहर निकल चुकी है, अब मैं जा सकता हूँ। ओके तो अब इसने मुझे नहीं देखा, मुझे ऐसा ही करना था। तो यहाँ से मैंने इसको ले लिया है और मैं इधर से आई थिंक बाहर जा सकता हूँ। यस मैं इधर से बाहर पहुँच चुका हूँ। और इसको ना मुझे अभी यहाँ पर आई थिंक रखना है जिससे ये दोनों रेंडियर इसके पास आ जाएंगी। और अब मुझे लास्ट काम क्या करना है कि उस सेंटा को जगाना है। और वो सेंटा है आई थिंक बेसमेंट में। उसके लिए चाहिए मुझे एक सीढ़ी प्ले, म्यूजिक प्लेयर चाहिए, उसको मुझे बजाना पड़ेगा। और वो म्यूजिक प्लेयर मुझे कहाँ पर मिलने वाला है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर इसने तो किचन में क्या लगा रखा ताला, तो इसको बंद करो। अरे भाई साहब, सो के मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, इस रूम में है वो सीडी प्लेयर। यहाँ से इसको उठाओ और इसको लेकर चलो। अभी मुझे जाना तो बेसमेंट में ना, तो मैं इधर से चलता हूँ और इसके अंदर बेसमेंट खोलो। ओके भाई साहब, इसने मुझे देख लिया, ये अंदर तो नहीं आएगी ना। ओके ये रुक गई, क्योंकि अगर अंदर आती ना मेरे पास भागने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने इस सीडी प्लेयर को चला तो दिया है, अब देखते हैं कि सांता उठेगा या नहीं। अबे ये क्या मिशन फेल, मैंने क्या गड़बड़ कर दिया यार अब। ओके तो पिछली बार ना मैंने ये वाला सीडी प्लेयर उठा लिया था, मैंने क्रिसमस वाला नहीं उठाया था, ये गड़बड़ हुई थी। तो क्रिसमस वाला इस बार उठाकर लेकर चलते हैं भाई साहब। पता नहीं इसमें छोटी छोटी चीज़ों का भी ना कभी कभी तो ध्यान रखना पड़ता है। और ये बार भैंसिया किसकी आ गई, तो यहाँ पर इसको लगा देते, अब चलेगा ना जिंगल बैल। और इसको यहाँ पर लगा दो और भागो। मैं चल गया ना, पिछली बार पता नहीं क्या ही चल गया था। तो हमें अभी ना इधर से जस्ट निकलना है और देखते हैं कि इसके साथ क्या होगा। अगर बच्चों चुप हो जाओ, तुम्हारा कुत्ता तुम्हें ले जाएगा। यार बच्चे कितना शोर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर ये मिस्टी अभी बाहर आ गई है और अब देखते हैं कि इसके साथ क्या ही खतरनाक प्रैंक होने वाला है यहाँ पर। ओके तो हमने इसको रिपेयर कर तो दिया था। ओके तो ये रिपेयर हो चुका है, सेंटा भाग रहा है और ये मिस्टी को गुस्सा आ गया है। लेकिन ओह नो, ये मिस्टी सेंटा के साथ कहाँ पर जा रही है भाई? नीचे उतर गई भाई, इसके लगने वाली है। नो, ये ट्यूब में घुस चुकी है और फिर से उड़ गई है।
ये हुई ना बात। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर।